Hey, my name is Rajesh Kumar. मेरा नाम है राजेश कुमार और मैं मुंबई बेस्ड मैजिशियन या इल्यूजनिस्ट आप कह सकते हैं। आज का जो मेरा वर्कशॉप है या लेक्चर कह लीजिए या फिर ऑनलाइन बातें कर लीजिए, वो है मैंने अपने बारे में या मैंने अपने लाइफ में अब तक क्या सीखा है, फ्रॉम मैजिक, अबाउट मैजिक या मैजिक के शो बिजनेस में क्या सीखा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैंने एक बड़ा ही फॉर्मल सा वीडियो शूट करने की कोशिश की है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा पार्ट या बीच में इसको थोड़ा डालेंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना एक कैंडिड कर लिया जाए, तो मैं इसे फिर से रीशूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से। अभी मैं एक ऑनलाइन शोज कर रहा था उसके बीच में, तो ये बहुत ही कैंडिड होने वाला है। इसमें मैंने आज तक क्या सीखा है मैजिक के बारे में या मैजिक इंडस्ट्री के बारे में या शो बिजनेस के बारे में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हो सकता है ये सब चीजें आपकी लाइफ से रिलेट ना करती हूँ या आपके लिए काम ना आए, बट ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और ये अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करिए, ठीक ना लगे तो कोई बात ही नहीं है, इस कान से डालिए इस कान से निकाल दीजिए। तो ये बहुत ही रैंडम होने वाला है, कोई बहुत पॉइंट वाइज नहीं है, एक स्पेसिफिक जहां जो चीजें मेरे माइंड में आती जाएंगी मैं बहुत ही रैंडमली बात करने वाला हूँ चीजों के बारे में, मैजिक के बारे में। So, पहली बात जो मैं करने वाला हूँ कि टाइम पे आप जाया करो यार इवेंट में। बहुत से लोग इस बात को सोचते नहीं है, ये एज एन आर्टिस्ट आपकी इमेज को इनहेंस कर देता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, इट फील्स रियली बैड वंस अ मैजिशियन और एनी आर्टिस्ट अगर अपने इवेंट के शोज पे जाता है और वो लेट है, दैट इज स्टूपिड गाइस, व्हाई आर यू लेट? आप लेट क्यों हो? आपको क्लाइंट ने पैसे दिए हैं फॉर योर इवेंट, फॉर योर शोज, आपका पूरा दिन उसके लिए ही बुक्ड होना चाहिए। अगर आपको कहीं शो पे परफॉर्म करना है तो आप कोई घर का काम मत करिए, कोई दूसरा काम मत करिए, कि एक दिन में एक से ज्यादा इवेंट करने चाहिए। खास करके मैं मुंबई में देखता हूँ कि बहुत से मैजिशियंस हैं जो मल्टीपल शोज करते हैं। जब मल्टीपल शोज करते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि आपका जो सेकेंड शो है आप फर्स्ट शो को टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे? एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर सारस पुनेवाला, आप लोग उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, जो वैक्सीन जो बनाते हैं, मैं उनके लिए परफॉर्म कर रहा था और उसके पहले मैं एयरटेल कंपनी के लिए शो कर रहा था। मैंने लोनावला में शो था, मैंने लोनावला में शो ख़त्म किया। अब जो लोग कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म करते हैं उन्हें पता है कि टाइम का कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। आई वॉज लेट, मैंने एयरटेल शो को एक घंटा लेट ख़त्म किया। अब बाय द टाइम मैं सारस पुनेवाला के घर पहुंचा, केक कटिंग हो चुका था और उनको मेरी रिक्वायरमेंट केक कटिंग से पहले था। दैट वॉज द डे। अब मैं कभी भी एक दिन में दो शोज बुक नहीं करता हूँ, नो मैटर वॉट। अगर सुबह का 6 बजे का शो हो, रात के 8 बजे का शो, फिर भी मैं शोज नहीं करूँगा। क्यों? मेरा मानना है कि द मोमेंट आपने किसी के लिए अपना टाइम बुक कर दिया है या उस डेट को बुक कर दिया है, द होल डे इज फॉर दैट क्लाइंट। आप मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपके पास वो टाइम है और आप जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। आप अगर आप कर सकते हैं दिन में 10 शोज करिए, उसमें कोई बात नहीं है। द शो इज फॉर द टाइम इज फॉर क्लाइंट, प्लीज कम से कम आधा घंटा पहले आप इवेंट पे पहुंच जाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहें तो होटल के बाहर वेट करें, एटलीस्ट मैं तो आधा घंटे पहले पहुंचता हूं और मैं इवेंट के बाहर वेट करता हूं, अपनी गाड़ी लगा देता हूं बाहर। और फिर अगर मैं होटल में हूं तो अगर क्लाइंट ने मुझे 7 बजे का टाइम दिया है तो मैं 6:30 बजे तैयार मिलूंगा आपको मेरे रूम में। मैं 6:30 बजे तैयार, टिप टॉप अपना लगेज रेडी होंगे, क्लाइंट ने 7 बजे रेडी होने के लिए बोला है। ऑलवेज बी ऑन टाइम गाइस। अगर आप लेट ही पहुंचोगे इवेंट पे या अगर आप लेट ही करोगे, जरा सोचो क्या इमेज बनेगी आपकी। आपकी इमेज जो है बहुत गंदी हो जाएगी। पहले का जमाना अलग था, जब लेट लोग जाते थे तो आपकी इज्जत करते, अब नहीं करते हैं। सो प्लीज बी पंचुअल, बी ऑन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बहुत से कारण हैं। आप अगर पहले जाएंगे आप बहुत सी चीजें चेक कर सकते हैं, माइक चेक कर सकते हैं, सराउंडिंग चेक कर सकते हैं, स्टाफ चेक कर सकते हैं, कुछ भी सरप्राइज आपके लिए नहीं रहेगा। ओके, अब क्योंकि मैंने माइक की बात की, नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही ज्यादा मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग जाएंगे बोलेंगे हाँ मुझसे मुझे माइक चाहिए, तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं। लोग मतलब आर्टिस्ट, हम वो जाएंगे बोलेंगे सर मुझे
यू नो माइक चाहिए, मुझे कॉलर माइक चाहिए या फिर मुझे लैपल माइक चाहिए, और क्लाइंट बोलेगा हमारे पास तो कॉलर माइक ही नहीं है, लैपल माइक ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? आइडियली आइडियली आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है, इवन इट इज अ टेबल क्लॉथ, अगर आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, एक बॉटल पानी चाहिए, ऑलवेज गिव योर क्लाइंट डिटेल, एक शीट बनाओ, आपको ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता चीजें ही चाहिए होंगे यू नो हर शो में, उसका एक शीट बनाइए और क्लाइंट को मेल करिए, सिर्फ व्हाट्सएप करने से काम नहीं चलेगा, क्लाइंट को मेल करिए एंड यू फॉर्मली नीड इट एंड यू नीड इट बिफोर द शो। तो अगर आपको आपका शो 7 बजे है और क्लाइंट ने आपको 6:30 बजे रेडी होने के बोला, क्लाइंट को बता दीजिए आपको ये 6 बजे रेडी चाहिए ताकि आप वहां जाए, आपको वो सामान मिल जाए, क्लाइंट के लिए भी तकलीफ नहीं है, आपके लिए भी तकलीफ नहीं है। अगर आपको माइक चाहिए, यू टेल योर क्लाइंट आपको माइक चाहिए, बिकॉज सबसे स्टूपिड लगता है कि आप वहां जाओ और एक ऐसे माइक पकड़ के कोई आपको मुंह में पकड़ा रहे हैं, एंड दैट इज वेरी स्टूपिड। सो गेट अ माइक, जो स्पेसिफिक माइक आपको चाहिए, अगर लैपल माइक चाहिए, अब देखो डिपेंड करता है, अगर आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में हो तो चांसेस हैं कि आपको लैपल माइक मिल जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो स्पेशली इन स्मॉल सिटीज, अगर आप छोटे शहर में जा रहे हो, लुधियाना ऐसे शहर में जा रहे हो, पटना जा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ माइक ना हो या क्योंकि वो यूज ही नहीं करते हैं, आपको पहले बताना पड़ेगा। सो प्लीज इन्फॉर्म योर क्लाइंट और गेट अ बैकअप। एक इक्विपमेंट आता है मेरे ख्याल से 1000 रुपए का, निखिल मैजिक शॉप पे था और संतोष जी के पास भी था, संतोष अडवाणी जी के पास, एक यू नो देयर इज अ वायर, तो आप गले में डालते हो, यू पुट योर माइक, कीप इट एज अ बैकअप, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ, कीप अ बैकअप। आप वहां जाइए, आपको माइक नहीं मिला, फज होने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट से लड़ने की जरूरत नहीं है, पुट अ माइक एंड डू योर शो, क्लाइंट सोचेगा वाह क्या जुगाड़ है इसके पास, एंड यू कैन मेक अ जोक अबाउट इट। मैं तो यू नो मैंने कभी जनरली यूज नहीं किया है, एक दो बार ही जरूरत पड़ा है, बट एटलीस्ट आई हैव अ बैकअप। सेकेंडली, अब इससे बात आया बैकअप से, योर जॉब फॉर एन इवेंट मैनेजर इज टू यू नो इनहांस द शो। एक इवेंट मैनेजर का शो है, उसने आपको बुक किया है, आपका काम उसके सामने टैंट्रम फेंकना नहीं है, उसको ये नहीं दिखाना है कि भाई मैं तो शो मैन हूँ, मैं तो यू नो राजेश कुमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ, या मैं फलाना मैजिशियन हूँ, मैं ढंगाना यू नो बिजनेस टू, यू आर नॉट देयर टू डू दैट। आप एक क्लाइंट के इवेंट को यू नो नेक्स्ट लेवल पे बनाने गए हो, हो सकता है वो वेडिंग का शो हो सकता है, वो कॉर्पोरेट इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट है तो प्रोडक्ट या ब्रांड इंपॉर्टेंट है, आप नहीं, वेडिंग है तो वेडिंग में दुल्हा दुल्हन इंपॉर्टेंट है, आप नहीं, तो उसके सामने आप नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्लाइंट को हेल्प करने के लिए हो। तो ऑन स्पॉट एक तो आपको डिमांड मत करिए, और अगर डिमांड अगर आपको लग रहा है कि पूरी नहीं हो सकती है, उस समय एटलीस्ट एडजस्ट डू योर प्रिपरेशन। आप इससे बात आता है प्रिपरेशन से, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर शो, ऑलवेज प्रिपेयर एवरीथिंग, यू नो आप क्या करने वाले हो, क्या यू नो परफॉर्म करने वाला, ऑलवेज कीप इट रेडी, ये बहुत ही बेसिक है, बट बहुत से लोग उसको प्लान नहीं करते हैं, एटलीस्ट कीप प्लान की मैं स्टार्ट कैसे करने वाला हूँ, एंड कैसे करने वाला हूँ, खत्म कैसे करने वाला हूँ, क्या क्या परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, कितने टाइम का शो होगा, ये सब चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखिए। अब आप बोलेंगे कि बट ये मैं पहले कैसे पता करूँ, शो से पहले तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो गाइस, सरप्राइजेस एटलीस्ट मुझे तो सिर्फ बर्थडे पे पसंद है, यू नो जब मुझे कोई गिफ्ट देता है बड़ा सा, उसके अलावा मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई सरप्राइज दे एटलीस्ट ऑन द इवेंट। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ गूगल फॉर्म, गूगल पे जाकर सर्च करिए, गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, बेसिकली आप जहां पे डिटेल्स मांगा सकते हो या फिर सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज बनाइए कि थैंक यू सो मच फॉर यू नो सेलेक्टिंग मी फॉर इवेंट, आई विल मोर देन हैप्पी टू परफॉर्म एंड स्टफ लाइक दिस। अगर आपके पास मैनेजर है तो वो आपके लिए काम कर देगा, बट क्लाइंट से पूछिए स्पेसिफिक बातें कि शो कहाँ पे है, कितने बजे है, मुझे कितने बजे रेडी आप चाहिए, क्लाइंट का नाम क्या है, डू यू वांट मी टू डू सम कस्टमाइजेशन, शो किधर होने वाला है, इंडोर है, आउटडोर है, जब मैं शो कर रहा हूँ लोग बैठ के देखेंगे या खड़े होके देखेंगे या उस समय खाना खाते खाते देखेंगे, ये ट्रेड शो है, ये कॉर्पोरेट में भी अलग अलग टाइप के शो होते हैं, ये अवार्ड शो है, क्या वहां पे कोई स्टार आने वाला है, बिकॉज अगर स्टार आने वाला है तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर अ स्टार, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, बट यू हैव टू प्लान योर स्टफ। कितने लोग होंगे, अगर आप 5000 लोग होंगे और आप वहां पे कार्ट्रिक
छोटा वाला करेंगे या फिर कुछ दिख नहीं है, तो यू नीड टू डू प्लान इन अ बिगर वे। और अगर समझ लो पांच लोग हैं, आई डोंट नो आप लोग किसी में से किसी ने परफॉर्म किया नहीं किया, देयर वाज अ शो जहां मैं यॉट के ऊपर, यू नो, समुद्र में मुंबई में यॉट के ऊपर था और सिर्फ पांच लोगों के लिए मैंने परफॉर्मेंस किया है, तो सोचो उसके अगर मैं एक बड़ा सा बोर्ड लेके जाऊं कितना स्टूपिड लगूंगा मैं। वेल दैट इज वेरी इंटीमेट, वन टू वन। और एक बार मैं गया था वहां 15,000 लोग थे, लिटरली देयर वाज अ स्टेडियम, ये बठिंडा में था पंजाब में, और द क्लाइंट वाज ट्राइडेंट, तो वो कपड़े का तौलिया का ब्रांड था, तो 15,000 लोग थे वहां, मैं क्या परफॉर्म करूंगा अगर मुझे पहले पता ही नहीं होगा। तो ऑलवेज गेट अ डिटेल कि कैसा शो है, किस तरह का क्लाइंट है वो, यू नो, किस टाइप का क्लाइंट है। अब क्लाइंट में भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ फाउंडर्स डे ऑफ अ फैक्ट्री और वर्कर्स है, तो हो सकता है वर्कर्स कुछ अलग टाइप के मैजिक आप उनके लिए करोगे, मे बी दे डोंट गेट इनटू इंटेलेक्चुअल हिप्नोसिस और माइंड रीडिंग, उनको शायद समझ में ना आए। अगर दे आर सीईओस तो मैं उसके सामने, यू नो, बहुत ही बेसिक या माउथ कॉल या फ्लावर करूंगा, मे बी दे थिंक ओके उन्होंने बाहर डेनिम ब्राउन के शोज देखे हैं, सो ही विल हैव अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। सो यू शुड हैव अ, यू नो, क्लियर डिटेल कि क्लाइंट कैसा होने वाला, कहाँ का है, इफ देयर इज अ, इफ द पीपल इज फ्रॉम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उस साइड के हैं, इफ देयर समवन फ्रॉम, यू नो, मुंबई या पुणे बेल्ट के हैं। क्लाइंट्स में या ऑडियंस में बहुत डिफरेंस आ जाता है, आई डोंट नो आप लोग उसके बारे में कभी आपने सुना है या देखा या एक्सपीरियंस किया नहीं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, नो योर क्लाइंट, आपका क्लाइंट कौन है, यू नो, किस टाइप का है। अगर आप जिंदल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े मैजिशियन को देख लिया है, एसएससी वसंत उनके लिए परफॉर्म कर चुके हैं, उनके लिए जैसे सन परफॉर्म कर चुका है, बड़े से बड़ा इल्यूजनिस्ट परफॉर्म कर चुका है, नाउ यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ जिंदल, नवीन जिंदल हु लव्स मैजिक, तो आप उसके सामने अगर बेसिक सा मैजिक लेके जाओगे, यू विल बी जस्ट अनदर गाय, आपको रिपीट बुकिंग नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर समथिंग। अभी मैं एक क्लाइंट के लिए मैं गया था, यू नो, अहमदाबाद शो करने के लिए, सुहानी शाह, अक्षय लक्ष्मण, टीपी तपोव्रता जो है ना, वो आई गेस डेविड नोवो, सबने उनके लिए परफॉर्म किया है। नाउ अगर मुझे पता ये नहीं होता कि वो ऐसे शोज करते हैं, तो फिर तो मैं तो जाकर के वहां पे कुछ भी करके आया था। सो आई हैड टू गेट अ डिटेल किस तरह के शोज हैं, क्लाइंट कौन है, इसका यू आस्क देम, आप इवेंट मैनेजर से पूछोगे, दे विल थिंक ओके ये लड़का जो है, ये बंदा जो है, ये जो आर्टिस्ट है, इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस ब्रिंग टू यू, तो उनको पता चलेगा कि आपको, आप उसकी शो में कितने इंटरेस्टेड हो, एंड दे विल गिव यू डिटेल। जब मैंने बोला कि मैं ये करने वाला हूँ, किस तरह का ऑडियंस है, मैंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ हमारे जो क्लाइंट है बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे मैजिक देखे हैं, इट हेल्प मी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, यू नो, गेट डिटेल्स। जैसे कि मैंने बोला डिटेल्स लेने के लिए, अब मेरे लिए मेरा मैनेजर करता है, आप खुद से करिए। तो अब हम बात करेंगे मैनेजर की। देखो गाइस, ये धंधा दिखावे का है, इट्स अ शो बिजनेस, जो दिखता है वो बिकता है। लॉट ऑफ यू आर, यू नो, क्या कहते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, यू नो, बहुत टैलेंटेड हो, मतलब बहुत ही तेजस्वी लोग हो, यू नो, मोदी जी के भाषा में, बट अगर क्लाइंट को नहीं लग रहा है कि आप तेजस्वी हो या फिर आप, यू नो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो कोई फायदा नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। देयर इज अ स्टेटमेंट, अ गोल्डन स्टेटमेंट, अ बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट, अ बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट, अ बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट। अगर आप बहुत अच्छे हो, यू नो, आप बहुत अच्छा, यू नो, मैजिक करते हो, आपको कोई जानता नहीं है, तो क्या फायदा है, एक बेवकूफ सा लड़का अगर के आता है और वो मैजिक करके चला जाता है। अगर मैं, आप जितने लोग मैजिक देख रहे हो उसके अंदर मैं सबसे कम टैलेंटेड हूंगा, बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग इट विद, यू नो, मैं हम्बलनेस से नहीं बोल रहा हूँ, यू नो, मैं बहुत हम्बल इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही, यू नो, वैसा उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू जेन्युइनली, यू नो, बहुत जेन्युइन सी बात है, जो लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे मिले हैं, जिन लोगों ने मेरे, यू नो, मैजिक को देखा है, वो जानते हैं कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, स्किल, आई डोंट have that kind of, you know, talent, but still I nail it, you know, when it comes to business, when it comes to getting client, you know, क्योंकि मैं अपने आप को उस तरह से market कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को उस तरह से portray कर सकता हूँ, and at least I try, maybe मेरे अंदर potential बहुत ज़्यादा, but at least जितना मुझे चाहिए मैं उतना कर लेता हूँ। So always remember, you have to
फेक योर सेल्फ, यू नो फेक योर सेल्फ। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे अभी भी फेसबुक पेज पे, उस जमाने में लोग फेसबुक पेज नहीं बनाते थे, मैं उस जमाने में फेसबुक पेज बनाया करता था। एंड आई टू पुट मायसेल्फ इन द स्टार कि अरे भाई ये यू नो राजेश कुमार इज द बेस्ट, यू नो मैं लिखता था आई एम राजेश कुमार इज, मैं थर्ड टेंथ में बात किया करता था कि भैया मैं जो वो, और मेरे पास मैनेजर हुआ करते थे। जब आप बोलते हो आपके पास मैनेजर है, लुक यूज द टर्म यू नो जो लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करे, इट्स ऑल अबाउट टर्म, इट्स अबाउट फ्रेज आप क्या इस्तेमाल करते हो। मैं बोल सकता हूँ मेरा हेल्पर या मेरा लड़का, मेरा आदमी नहीं, मेरे दोस्त। आई यूज्ड टू यूज द वर्ड मैनेजर बिकॉज व्हेन आई से मैनेजर उनको लगता है क्योंकि ही हैज गॉट समवन यू नो वेरी स्पेशल, यू नो समवन हु इज डेडिकेटेड फॉर हिज वर्क, और वो मेरा फ्रेंड ही था। सो आई फेक्ड इट, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स आई एक्चुअली गॉट अ मैनेजर विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हु मैनेजेस मी, हु डज ऑल माई वर्क फॉर मी। So, get yourself a manager, at least portray yourself as a manager. नहीं तो humorously yours देख लो, आपको idea मिल जाएगा कितना फर्क पड़ता है manager से। रंजीत वालिया speaking. अब बात करते हैं, manager हो गया, fake until you make it, planning हो गया, अब क्या बात करते हैं? Let's choose something very random. Food, stay, travel. ये बहुत important है। जब भी client आपको बोले ट्रैवल करना है, स्पेशली आउटसाइड द सिटी, ऑलवेज टेल देम फूड ट्रैवल यू नो स्टे विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं बोल रहा हूँ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका कदापि मतलब ये नहीं कि उसका पैसा क्लाइंट देगा, उसका मतलब है ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बहुत से क्लाइंट क्या बोलते हैं, आप बताओ यार कितने पैसे लोगे, आपको टिकट खुद से बुक करना है, होटल्स खुद से बुक करना है, खाना पीना आप देख लेना जैसा खाना हो, आप बस बता दो प्राइस, आप ना जोड़ के बता दो, आपको पेमेंट कर देंगे। कभी भी ऐसा मत करिए, कभी भी ऐसा मत करिए, कभी भी यू नो मैं इसको बार बार आई कांट पुट एम्फेसिस इसके ऊपर, कभी भी ऐसा मत करिए। क्योंकि अगर आप खुद से यू नो फ्लाइट बुक करते हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है एंड मौके पे, नेचुरल स्टफ, यू आर द स्टूपिड गाय, आपने गलती की है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर क्लाइंट बुक करता है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी नहीं करना है, कभी भी होटल खुद बुक नहीं करना है, क्लाइंट को बोलना है। तो क्लाइंट बुक करेगा तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इवेंट के जगह पे लेके आने के लिए, फिर इवेंट के प्लेस पे रखने के लिए। खाना पीना सब क्लाइंट करेगा, आप अपने सर पे मत लो कोई बात, बिकॉज आप परफॉर्म करने जा रहे हो, आपके दिमाग पे ऑलरेडी लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर है, आप ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकते हो। नेवर गेट इनटू द ट्रैप, नेवर एवर एवर कभी भी इन सब पंगों में मत पड़ो, इट्स अ क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलीव मी, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इन सब में बहुत इशू होता है। नेवर नेवर एवर डू द फ्लाइट बुकिंग फॉर योर सेल्फ, ट्रैवलिंग का झंझट कभी भी नहीं करना है। अगर दूसरे सिटी जाना है कार से, टेल योर क्लाइंट, इट्स क्लाइंट जॉब टू गेट यू अ कैब, क्लाइंट करेगा कैब बुक। क्यों क्लाइंट बुक करेगा कैब? क्योंकि अगर मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए, और समझ लो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, क्लाइंट तो बोलेगा यार तू लेट हो गया, आप जवाब देते फिरोगे। अगर सोचो क्लाइंट ने बुक किया है तो क्या होगा, आप लोग यार कैसा गाड़ी आपने भेजा है, लुक इट मे साउंड स्टूपिड बट बहुत प्रैक्टिकल है, मेरे साथ हो चुका है, कई बार हो चुका है, एंड आई नो इट। मैं सूरत जा रहा था, क्लाइंट ने बुक किया था गाड़ी, ओला ड्राइवर ने बोला सर मैं स्पीड चलाऊंगा नहीं, मैं लेट करूंगा, वो मुझे 2 घंटे लेट लेके गया वेन्यू पे। क्लाइंट ने क्यों भी नहीं की, क्यों? क्लाइंट ने बुक किया था। जस्ट इमेजिन अगर मैं खुद की गाड़ी से जाता तो क्या होता, सोच के देखिए। सो ऑलवेज बहुत सिंपल सी बात है, बट इट विल चेंज योर यू नो होल परफॉर्मेंस एंड स्टफ। कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे मैजिशियन क्या करते हैं, अच्छा शो हो गया ठीक है जी, डन कर लेते हैं शो, अच्छा इतने मुझे पहुंच गया ठीक है सर। व्हाट इज अ प्रूफ, क्या प्रूफ है कि वो आप, बहुत से मैजिशियन क्या करते हैं, बहुत भोले होते हैं यू नो, क्लाइंट बोला हाँ सर पहुंच, हाँ पहुंच जाएंगे सर, पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ 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 कर लेंगे सर, सर माइक, हाँ हाँ माइक दे देंगे, कोई इशू नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब वो वेन्यू में पहुंचते हैं, इवेंट पहुंचते हैं, वो कुछ मिलता नहीं है, आप क्या करोगे, क्या सबूत है आपके पास कि आपको क्लाइंट ने ऑफर किया था? गेट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड, कॉन्ट्रैक्ट 10 मिनट लगता है, ऑनलाइन आप जाओगे आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है मिल जाएगा, सिर्फ टेम्पलेट बना के रखना है, क्लाइंट से पूछिए उसका नाम डालिए, अपना नाम डालिए, क्लाइंट को मेल करिए। अगर वो क्लाइंट प्रोफेशनल है, यू नो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल अगर क्लाइंट है
दे विल साइन इट, उनको लगेगा यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, वो कभी मना नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि यार कितना टेंपर दिखा रहा है, बोलेगा यार ये तो दिस गाय इज ऑसम। सोचो कितने मैजिशियन आर्टिस्ट को मिलते होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते होंगे, जरा सोचो आपकी इमेज क्या बनेगी उसके दिमाग में, उसको लगेगा कि आप प्रोफेशनल हो। डोंट बी कॉकी बट बी प्रोफेशनल। चलो अगर आपको लगता है इट इज टू मच फॉर यू, एटलीस्ट गेट अ मेल कन्फर्मेशन, एटलीस्ट कन्फर्मेशन पे एक मेल लीजिए, यू नो मेल पे कन्फर्मेशन लीजिए, एटलीस्ट मेल पे कन्फर्मेशन लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप पे तो मैसेज ले ही लो ना प्रॉपर, यू नो कन्फर्म, ऑल्दो व्हाट्सएप इज नॉट यू नो वेरी फॉर्मल, सो गेट इट ऑन अ मेल, दैट्स बेटर, दैट्स यू नो वेरी क्लीन, गेट अ फॉर्मल मेल। आपका शो कब स्टार्ट होता है? When does your show start? जब आप इवेंट वेन्यू पे पहुंच गए आपका शो स्टार्ट हो गया है। आप कैसे मैजिशियन हो, आप कैसे परफॉर्मर हो, आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे खाते हो, आप कैसे खड़े होते हो, आपका बैग कहाँ रखा होता है, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप लोगों से ट्रीट कर रहे हो, वो डिफाइन करता है आप कैसे मैजिशियन हो। आपका परफॉर्मेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो यू नो दिमाग में रखिए, इट विल हेल्प यू। ऐसे नहीं कि आप बैग सिगरेट फूक रहे हो, यू नो लॉबी में बैठ कर सिगरेट फूक रहे हैं पेपर में उसको, इट लुक्स बैड गाइस, इट मेक्स यू लुक स्टूपिड, बहुत ज्यादा कूल नहीं दिखते हो आप, आपको क्लाइंट सोचेगा कि ये कितना, सो मेक श्योर ऑफ दैट। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यस गॉसिप्स। आप किसी इवेंट पे पहुंचे, क्लाइंट ने आपको बोला आप फलाने मैजिशियन को जानते हो, आप क्या बोलोगे? अरे वो तो चूतिया सही मैजिशियन, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ जानता हूँ, है छोटा मोटा मैजिशियन है, क्या बोलोगे? हाँ ठीक ठाक मैजिक करता है ना। आप उसके बारे में जो बोलोगे उससे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हो जाएगी, उससे क्लाइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा आपके बारे में, यू नो एज एन ह्यूमन, फॉरगेट एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन दैट विल चेंज योर लाइफ। क्लाइंट ने पूछा कि ये फलाना मेंशन कैसा है, टेल देम अरे वो तो कमाल कैसा है, ही इज बेस्ट, यू नो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत अच्छा करता है, वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस गाय। अब सोचो कोई सच में चूतिया सा आदमी हो, सच यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्टूपिड, या कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जो स्टार्ट कर रहा है, क्लाइंट सोचेगा यार, क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि नहीं मैंने उसका शो किया था लास्ट टाइम वो बहुत ही बेकार म्यूजिशियन था यार, टेल देम कि सर हो सकता है कि उसका दिन अच्छा ना हो, सकता कुछ प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम नहीं है, या सर उसको गाइड नहीं हुआ होगा, मे बी कोई रीजन होगा, उसकी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, बट डोंट से इल वर्ड्स अगेंस्ट एनी अदर आर्टिस्ट। ये आपका काम नहीं है, योर दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब। क्लाइंट कितना बैक बिचिंग करे किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, यू हैव टू बी पॉजिटिव, जस्ट से आपके मुंह से ना फूल बरसने चाहिए, फूल जैसे कहते हैं ना फूल। क्लाइंट बोले यार ये तो देखता हुआ इंसान है, हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, हमेशा हमेशा अच्छी बातें करें किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, किसी भी इवेंट कंपनी के बारे में, जस्ट टेल गुड, कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं करना है, कभी भी नहीं, ऑलवेज बी अ वेरी नाइस गाय, ऑलवेज ट्राई टू बी अ नाइस गाय, इवन इफ यू आर नॉट, अगर आप नहीं भी हो प्रिटेंड, फेक इट एंड यू मेक इट। कमिंग टू द फेकिंग पॉइंट, आप क्या फेक कर सकते हो? मैं बहुत कुछ फेक कर सकता हूं। देखो शो बिजनेस का काम है ये ना, शो बिजनेस दिखावे का खेल है। मेरी इंग्लिश इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं कितनी खराब है। जो लोग मुझे यू नो व्हाट्सएप पे देखते होंगे, वीडियोस पे देखते, उनको पता है, बट जब मैं शो करने जाता हूं ना, लोगों को लगता है वाह ये तो अंग्रेजी है, तो इंडिया में मैजिक सीखा नहीं होगा, ये तो बाहर से सीख के आया मैं, यूएसए से, क्यों करता हूँ? आई कैन
आई प्रैक्टिस इट, यू नो, मैं अपने एक्ट को, मैं अपनी चीजों को प्रैक्टिस करके आता हूँ, यू नो, मैंने उस फ्रेज को याद कर लिया है, आई प्रैक्टिस दैट पार्ट ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, ऑन मिरर, प्रैक्टिस योर सेल्फ, यू नो, आपको अगर अगर अब देखो अगर तो कोई ऐसा क्लाइंट है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि मस्त देसी है, देसी टाइप के ऑडियंस है, उसके सामने आप अंग्रेजी बनने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे लगे कि यार समझ लो आप साउथ मुंबई में परफॉर्म कर रहे हो और वहाँ सारे अंग्रेज हैं, एंड इफ यू स्पीक बैडली और बैड इंग्लिश तो आपकी इमेज कचरा हो जाएगी। सो उसका उपाय क्या है? अगर पहला एक तो आप सीख लो, दूसरा नहीं सीख सकते प्रैक्टिस कर लो, फेक इट। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे कार्ड के ऊपर मेरे मैनेजर का नंबर हुआ करता था। अब ऑब्वियसली बात है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरे पास मैनेजर तो था नहीं, वो मेरे फ्रेंड का नंबर था जिसे मैं मैनेजर पोर्ट्रे करता था, एंड ही इवेंचुअली उसने मेरे मैनेजर का काम संभाल लिया। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उससे मिलता जुलता आपको क्लाइंट जो है, यू नो, आपके बारे में उसके दिमाग में एक इमेज पैदा होगा। आप क्या चाहते हो, क्लाइंट के दिमाग में क्या इमेज बैठे, कि आप एक सक्सेसफुल मैजिशियन हो, आप अच्छे शोज़ करते हो, आप बड़े शोज़ करते हो, या आप एक नॉर्मल से मैजिशियन हो, यू नो, आप नो ऑफेंस, यू नो, बट आप कैसा चाहते हो, यू नो, हाई अर्निंग मैजिशियन चाहते हो या लो अर्निंग, तो एक इमेज आपको बनाना पड़ेगा अपने, यू नो, क्लाइंट के माइंड में। और वो इमेज कैसे बनेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। इमेज क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होता है, या फेस वैल्यू क्या होता है? जब हम किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, आपको पता होता है उसका खाना कैसा होने वाला है, वो बहुत टेस्टी नहीं होता बट हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो कैसा होगा। कोक का बोतल आप मुंबई में खोलिए, पंजाब में खोलिए, बिहार में खोलिए, यूपी में खोलिए, सेम ही होगा। आप कोक पे रिलाय कर सकते हो, उसी तरह से क्लाइंट इवेंट मैनेजर आप पे रिलाय करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि आप क्या देने वाले हो, यू नो, एक इमेज आपके क्लाइंट के, यू नो, मन में, या आपके प्रोस्पेक्ट जो है जो आपको हायर करने वाले हैं उसके दिमाग में आपका एक इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लेके आने वाले हो। अब वो इमेज कैसे बिल्ड करोगे, वो बहुत से तरीक़ों से होता है आपके, यू नो, जब आपको वो कॉल करते हैं आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आपका वेबसाइट कैसा है, आपका वीडियो कैसा है, आपका कार्ड कैसा है, एवरीथिंग, यू नो, इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर दे सकता हूँ। सो पैकिंग, यू नो, सामान कैरी करने के बारे में बात करते हैं। अब जब मैंने मैजिक स्टार्ट किया था तो मेरे दो बड़े बड़े सूट केसेस हुआ करते थे और मैं उसमें सामान लेके जाया करता था, उसका मैं सिर्फ आधा मैजिक ही किया करता था, बाकी मैं सिर्फ यूं ढो के लेके आता था। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जब, यू नो, इवेंट पे जाएं तो कितना सामान कैरी करें और कितना परफॉर्म करने वाले हैं। प्लानिंग से याद आया, कस्टमाइजेशन, दुनिया में सबको सबको कस्टमाइजेशन पसंद है और कस्टमाइजेशन के ही पैसे मिलते हैं। आपने सुना होगा ये फुल्ली कस्टमाइज प्रोडक्ट है और आप उसके लिए पैसे देते हो, उसी तरह से आपको आपका शो भी कस्टमाइज करना होगा। जब मैं एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए शो करता हूँ तो मैं अपने कुछ एक्ट्स को उस ब्रांड के हिसाब से कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब से मैंने आईपैड मैजिक करना स्टार्ट किया तो मैं, यू नो, कुछ नहीं, यू नो, अगर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं आईपैड से उनका लोगो ही अपीयर कर देता हूँ। तो कस्टमाइज़ करिए। अब जो मैंने बोला पैसे, तो पैसे आपको कितने चार्ज करने चाहिए, अब वो आपके ऊपर टोटली है। आप 500 रुपये भी ले सकते हो, आप 200 रुपये भी ले सकते हो, आप फ्री भी परफॉर्म कर सकते हो। मेरा मानना है जितना आपको लगता है कि आपकी वैल्यू है उसका आधा आपको चार्ज करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको लगता है आपकी वर्थ 1,00,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये चार्ज करेंगे। क्यों? ताकि इवेंट मैनेजर भी तो कुछ पैसे कमाएगा। टेक्निकली इवेंट मैनेजर आपके प्राइस के ऊपर उसकी फीस है, बट टेक्निकली आपको एक इवेंट मैनेजर को भी मार्जिन देना होगा, या एटलीस्ट आपको मार्जिन रखना चाहिए ताकि इवेंट मैनेजर जो है चार्ज कर सके। अगर आपकी वैल्यू 50,000 रुपये की है और आप 1,00,000 रुपये चार्ज करेंगे तो इवेंट मैनेजर आपको क्यों ही बेचेगा, यू नो, वो किसी 1,00,000 के वैल्यू वाले आर्टिस्ट को बेचेगा। सो अब बात करते हैं ड्रेस।
क्या एड्रेस होना चाहिए। मेरा मानना है कि इवेंट जैसा हो उस तरह से ड्रेस होना चाहिए। अगर ये वेडिंग है तो यू नो यू कैन बी लिटिल बिट ऑफ फिर कैजुअल विद लिटिल बिट ऑफ फॉर्मल टच, क्योंकि आप सेमी फॉर्मल में जा नहीं सकते हो। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी फॉर्मल। अगर आप यू नो क्लोजअप कर रहे हो बीच पार्टी पे तो यू कैन बी वेरी यू नो सेमी फॉर्मल। सो प्लान योर सेल्फ, अगर जैसा वेन्यू है जैसा इवेंट है आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा। टैक्सेस, अपने टैक्सेस को यू नो के बारे में खास ध्यान रखिए। मुझे ये देख करके काफ़ी हैरानी होती है कि बहुत से मैजिशियंस जो हैं अपनी उन्होंने GST भी रजिस्टर नहीं करा रखा है, वो GST बिल भी नहीं देते अपने क्लाइंट को। गाइस एटलीस्ट अपना बिल काटिए, अपने क्लाइंट को बिल दीजिए, अपने टैक्सेस टाइम पे भरिए। ये सब बातें आपको बाद में बहुत काम आएंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो टैक्सेस का ध्यान रखिए। टैक्सेस से याद आया, पैसे, हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, अपने अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम रखिए। डेविड कॉपरफील्ड ने भी एक आइलैंड में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका एक रिजॉर्ट है। अक्षय कुमार के भी मल्टीपल बिजनेस हैं, SRK के भी मल्टीपल बिजनेस हैं, आपके भी होने चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक पूरी आइलैंड खरीद लें, बट यू नो कम से कम एक दुकान ही खरीद लीजिए, उसको किराए पर लगा दीजिए, कुछ भी करिए। मुझे नहीं पता, मेरे पास आइडियाज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ पसंद भी आना चाहिए, बट एटलीस्ट हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो चलिए गाइस, ये कुछ बातें थी जो मेरे माइंड में थी और मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आपके दिमाग में क्या है, ये सब बातें ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की नहीं है तो आप इसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कभी आपको इनमें से कोई बात हेल्प करे तो मुझे यू नो कभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नाम है राजेश कुमार, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द।